बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में खूबसूरत हरा भरा एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना एक आशियाना बना रखा था। उसी जंगल के सामने एक बड़ा सा आशियाना था, जहां पर एक राजा विक्रम ने अपनी छोटी सी सल्तनत उस आशियाने में बसाए हुई थी। उसी बरगद के पेड़ पर एक मोजू नाम का तोता रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और सोचता रहता था, इस पेड़ पर सारे चिड़ियों के घर कितने अच्छे हैं और सबके पास कितना धन भी है, बस मैं ही अकेला इस पेड़ पर गरीब तोता हूँ। मुझे अपने आप को धनी बनाने के लिए कुछ काम करना होगा। तभी एक पिंटू कबूतर मोजो तोता के पास आता है और कहता है, अरे भाई मोजो, क्या कर रहे हो? अरे क्या बताएं भाई, इस गरीबी से बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। अरे मोजो, तुम्हारे पास इन सारे पक्षियों में सबसे धनी पक्षी बनने का मौका है। अरे कैसे बन सकता हूँ मैं इन पक्षियों से सबसे ज्यादा धनी? जो सामने वाले राजा विक्रम की सल्तनत है ना, उसी राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक तोते को नौकरी पर रखना चाहते हैं। जो तोता अपने कलाकारी से विक्रम राजा को प्रभावित करेगा, उस तोते को सल्तनत में नौकरी मिल जाएगी और फिर उसके तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे लिए। उस विक्रम राजा के दरबार में ना जाने कितने सोने के सरफिया हीरे जवाहरात पड़े हैं। अगर मुझे वहाँ पे काम करने का अवसर मिल गया तो मैं वो सारी चीजें धीरे धीरे चोरी करके इस संसार का सबसे धनी पक्षी बन जाऊंगा। मोजो तोता एक बहुत ही शातिर और चोर तोता था, पर वो आज तक किसी की नजरों में चोरी करता हुआ नहीं आया, इसीलिए कोई उसे चोर मानता ही नहीं था। अच्छा भाई मोजो, अब मैं जाता हूँ उस राजा विक्रम की सल्तनत में, देखता हूँ अगर मेरी कलाकारी और हुनर से मुझे भी वहाँ कोई नौकरी मिलती है भी या नहीं। थोड़े समय बाद मोजो तोता भी वहाँ से चला जाता है और वह अपने हुनर और कलाकारी से विक्रम राजा को बहुत प्रभावित करता है, जिसके चलते विक्रम राजा उसे अपनी सल्तनत में नौकरी दे देता है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। मोजो जो अब उस विक्रम राजा की सल्तनत में नौकरी करने लगा था, एक दिन की बात है, राजा विक्रम अपनी दासी टीनी चिड़िया से कहते हैं, सुनो दासी, हमारे शाही महल में बहुत सारा खजाना आने वाला है, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पक्षियों को ले जाओ ताकि हमारे खजाने पर कोई आँच ना आए। जी हुकुम राजा साहब, फिर मैं अपने दरबार से किसी पक्षी को ले जाऊँ जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो। वो हमारे सल्तनत में नया तोता आया है ना मोजो, तुम उसी को अपने साथ ले जाओ। पर राजा साहब, वो मोजो तोता तो अभी अभी इस सल्तनत में आया है, हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं दासी, मुझे उस पर बहुत भरोसा है, वो कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। दासी अपने साथ मोजो को ले जाती है और फिर दोनों उड़कर खजाने के पास जाते हैं। खजाने को देखते ही मोजो कहता है, इतना सारा खजाना? हाँ मोजो, ये सारा का सारा खजाना विक्रम राजा का है, हमें बड़े एहतियात के साथ इस खजाने को राजा साहब के दरबार में ले जाना होगा। अगर ये खजाना चोरी हुआ तो विक्रम राजा हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये खजाना तो बहुत सारा है, अरे खजाना मुझे मिल गया, मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। उसके बाद दोनों खजाना पैरों में दबाकर उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद मोजो तोता टिनी चिड़िया से कहता है, अरे दासी, काफी समय से हम चले जा रहे हैं, क्यों ना हम किसी स्थान पर बैठकर विश्राम करें? नहीं मोजो, हम ऐसे बैठ नहीं सकते, हमारे पास इतना सारा खजाना है, अगर किसी ने चोरी कर लिया तो हम क्या करेंगे? नहीं दासी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, थोड़ी देर यहीं बैठकर विश्राम करते हैं। दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। तभी दासी वहीं बैठी बैठी सो जाती है। अरे दासी तो सो गई, यही वो सुनहरा मौका है इस खजाने को अपने कब्जे में लेने का। मोजो उस दासी को उसी पेड़ से बांध देता है और सारा खजाना लेकर वहाँ से चला जाता है। इतना सारा खजाना मैं रखूँगा कहाँ, विक्रम राजा तो मुझे तुरंत पकड़ लेगा, उसका कहर तो इस पूरे जंगल में बना हुआ है। तभी मोजो एक उपाय निकालता है, वो सारा खजाना एक पेड़ के नीचे जमीन के अंदर दफना देता है और लौटकर विक्रम राजा की सल्तनत में आ जाता है। अरे क्या हुआ मोजो तोता, दासी कहाँ है और सारा खजाना कहाँ है? मुझे क्षमा करना राजा साहब,
मैं आपके खजाने को नहीं बचा पाया। उस दासी ने अपने साथ कुछ और पक्षियों को लेकर आई थी और सभी ने मिलकर मुझे बहुत मारा और वो सारा खजाना भी चुरा कर ले गए। उस दासी पक्षी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे काले पानी की सजा देंगे। विक्रम राजा अपने कुछ पक्षी सिपाहियों को दासी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजते हैं। सारे पक्षी दासी को तलाश करने निकल जाते हैं। कई देर इधर उधर घूमने के बाद उन्हें दासी का कुछ पता नहीं चलता। पक्षी वापस राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं, विक्रम राजा साहब, उस दासी का कुछ पता नहीं चला। हमने सारा जंगल छान मारा, लगता है वो यहाँ से कहीं दूर चली गई। उसका पता चलेगा भी नहीं, मैंने उसे ऐसी जगह कैद किया है उसे कोई पक्षी भी नहीं ढूंढ पाएगा। पर अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो दासी किसी तरह आ गई तो मुझे तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे पहले मुझे यहाँ तुरंत यहाँ से जाना पड़ेगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोजो तोता विक्रम राजा के दरबार में हाजिर होता है। राजा साहब, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं कुछ दिनों के लिए घर में रहकर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है मोजो, जाओ। अरे वाह, मैंने तो इस राजा को अच्छा बेवकूफ बनाया। अब तो मैं सारा खजाना लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। मोजो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम राजा अपने सेनापति उल्लू से कहता है, सुनो सेनापति, हमें इस मोजो का पीछा करना होगा। मुझे इस तोते के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। विक्रम राजा अपने सिपाहियों के साथ उस मोजो तोते का पीछा करता है। मोजो तोता उसी जगह जाता है जहां उसने सारा खजाना जमीन में दफनाया था। विक्रम राजा भी उसी के पीछे पीछे छुप कर जाता है। मोजो तोता जमीन से सारा खजाना बाहर निकालता है। तभी विक्रम राजा अपने साथियों के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मोजो, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुम ही ने मेरे भरोसे का अपमान किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। सिपाहियों, इसको फांसी पे चढ़ा दो। विक्रम राजा उसे फांसी की सजा दे देते हैं। राजा साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। राजा साहब, मैं पैसों के लालच में आ गया था और मैं अपने आप को सबसे ज्यादा धनी बनाने के लिए मैंने पाप किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए राजा साहब। मोजो रोते रोते मिन्नतें करने लगता है। तूने जो पाप किया है मोजो, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा हमारे दरबार में ऐसी कोई गलती न करे और कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचे। मैंने इतना बड़ा पाप क्यों किया? मैंने चोरी के लालच में मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इसी तरह मुझे तोते को फांसी की सजा हो गई और विक्रम राजा को अपना खजाना वापस मिल गया। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो हमेशा पकड़ा ही जाता है। सारी सल्तनत में मोजो तोते की बदनामी होने लगी, सब उसे बुरा भला कहने लगे। विक्रम राजा ने किसी तरह अपनी उस दासी को ढूंढ निकाला और सब पहले जैसा सुरक्षित हो गया। विक्रम राजा ने उस दिन से एक भी तोते को अपनी सल्तनत में आने से मना कर दिया और उन पर पाबंदी लगा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना सबसे बड़ा पाप है और जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरे का धन देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए।